नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। दो का मिलन हुआ, प्रेम हुआ, एक दूसरे को अच्छे लगे, एक दूसरे के साथ होने की इच्छा हुई। ये देख के एंजल ने उनको ब्लेस किया। ब्लेसिंग के बाद दोनों इकट्ठे हो गए, शादी हो गई, प्रेम में पड़ गए, फिर दोनों एक दूसरे को पजेस करना चाहने लगे, दोनों एक दूसरे को पकड़ने लगे, दोनों एक दूसरे की फ्रीडम देने लगे, एक दूसरे को पजेस करने लगे और धीरे धीरे प्रेम का पंछी जो है उड़ गया। कहानी वहाँ पे शुरू होती है जब कार्ड ऑफ द लवर्स मिलते हैं और कहानी जो है का जो सेकंड पार्ट आता है वो है द कार्ड ऑफ द डेविल। जी हाँ, जिस कार्ड की आज हम बात करेंगे वो है द कार्ड ऑफ डेविल। ये वो ही लवर्स हैं जिन्होंने एक बहुत एक सुंदर रिश्ता जिनका शुरू हुआ था, एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक जर्नी शुरू हुई थी। एक दिन का समय था, बहुत सुंदर सुंदर एनवायरनमेंट था, एंजल उनको ब्लेस कर रहा था, लेकिन वही सेम एंजल आज के डेट में इस कार्ड के साथ बंद गए हैं, उनको चेन लग गई है। एंजल के बजाय वहाँ पे डेविल आ गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं द कार्ड ऑफ डेविल की। कार्ड ऑफ डेविल में जाने से पहले उसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। द डेविल के कीवर्ड्स होंगे बॉन्डेज, एडिक्शन, सेक्सुअलिटी, मटेरियलिज्म, लस्ट, बॉन्डेज, स्लेवरी, इल्यूजन, मिस्ट, डार्क मैजिक, चेन्ड, स्केपगोट, डार्क वर्ल्ड। आई थिंक शायद ही कोई कार्ड होगा जिसके इतने सारे मैंने कीवर्ड्स बोले होंगे, क्योंकि डेविल अपने आप में अगर हम बोलें एक ऐसी एनर्जी है जो कि विजिबल नहीं है, या फिर कहें कि वो इतनी ज़्यादा व्याप्त है, वो इतनी ज़्यादा जो है प्रेजेंट है कि गॉड जो एंजल की एनर्जी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू। डेविल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि आपसे बाहर है। डेविल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इट इज़ पार्ट ऑफ यू। जिस तरह से आपके अंदर एंजल्स बैठे हैं उसी तरह से आपके अंदर जो है डेविल भी बैठा है। इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ का, अच्छे और बुरे का, यिन एंड यांग का। एक दिन की बात करता है, एक बात करता है रात की। जो अल्टीमेट जो जर्नी है उसके अंदर तो आपको जो है दोनों को कहीं ना कहीं साथ लेके चलना है और दोनों से बियॉन्ड जाना है। सिर्फ अच्छा भी व्यक्ति हो वो भी एक तरह की एडिक्शन है। बुरे की तो एडिक्शन होती है, अच्छे की भी एडिक्शन है। जो असली आदमी है वो इन दोनों के पार जाएगा, वो अच्छे और बुरे के दोनों के पार चले जाएगा। और जिस दिन वो अच्छे और बुरे के पार चले जाता है वो खुद भगवान हो जाता है। सो कार्ड ऑफ द डेविल, कार्ड ऑफ द डेविल में हम देखते हैं कि एक फिगर जिसको हम डेविल बोलते हैं, ही इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग एंड ही इज़ ब्लेसिंग हिज दीज दो सेम कपल्स। ये दोनों कपल जो हैं ये इनिशिएट हो चुके हैं डेविल के अंदर। पहले ये इनिशिएट हुए थे एंजल में। एक टाइम था जब सब कुछ बड़ा फ्रेश था, सब एवरीथिंग वाज न्यू, एवरीथिंग वाज लाइक ब्राइट इनोसेंस। एंड देन अ टाइम केम व्हेन द बॉन्डेज हैपेंड, व्हेयर द पजेसिवनेस हैपेंड, जेलसी हैपेंड, एंड ऑल्सो विद दैट अलोंग अदर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो केम अलोंग, लस्ट केम अलोंग, एडिक्शन केम अलोंग, मैनी मैनी अदर थिंग्स। और इसलिए हम उस सेम कपल को जो है हम देखते हैं चेन्ड। लेकिन ध्यान से देखिएगा, वो जो चेन इस तरह से है कि अगर वो चाहें तो अपनी चेन उतार सकते हैं,
डेविल के अंदर जो है एक एक पावर है सबसे बड़ी, एक क्या उसके अंदर बहुत पावर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है अगर आप उसकी कार्ड को देखेंगे, उसकी आँखों को देखेंगे, तो उसकी आँखों में एक बात है कि वो आपको जो है हिप्नोटाइज कर सकता है, और वो आपको हिप्नोटाइज करके इल्यूजन में डाल सकता है। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। इसलिए चेन होते हुए भी जिसको वो चेन उतार सकते हैं तब भी वो उतार नहीं पा रहे, क्योंकि वो दोनों हिप्नोटाइज हैं, वो दोनों इल्यूजन में फंसे हुए हैं, वो दोनों अपने डिज़ायर्स के अंदर इतने गहरे जा चुके हैं कि ऑलमोस्ट वहाँ से निकलना मुश्किल पड़ता है। गार्ड ऑफ डेविल जो है, जो डेविल को सिग्निफाई करता है, उसको हम सैटर कहते हैं। और सैटर एक ऐसा क्रीचर है जो कि हाफ गोट है और हाफ मैन है। और गोट को हम जो है बहुत सारे कल्चर्स में उसको अनक्लीन माना जाता है, उसको अनहोली माना जाता है, और उसको सिंबलाइज किया जाता है कि दिस इज़ समथिंग हु इज़ कनेक्टेड टू द डेविल। अभी पीछे एक मूवी भी आई थी, उस मूवी का नाम था द विच। उस विच के अंदर अगर आप मूवी देखेंगे तो उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि एक गोट को सिग्निफाई किया गया है जो कि सिंबलाइज करता है डेविल के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है जो कि डेविल की एनर्जी को सिग्निफाई करती है। देख सकते हैं थोड़ा डेविल नेचर को जानने के लिए, जो कि आपके अंदर भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एंड डेविल जो है वो हम स्केप गोट भी कहते हैं उसको। स्केप गोट का क्या मतलब होता है? स्केप गोट होता है जिसके ऊपर जो है हम अपनी जिम्मेवारी फेंक देते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी ट्रबल्स हैं वो इस कारण से हैं। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं जो है डेविल को स्केप गोट भी बोलते हैं कि ये डेविल जो है इज़ द स्केप गोट, इसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। डेविल के अगर आप विंग्स देखेंगे तो वो विंग्स जो हैं वो वैम्पायर के विंग्स हैं। वैम्पायर कौन होता है? वैम्पायर इज सिग्निफाइड एज समवन हु सक्स योर ब्लड, और दिस इज़ वॉट द डेविल ऑल्सो डज टू यू। द डेविल सक्स द ब्लड, सक्स द वाइटलिटी, सक्स द एनर्जी आउट ऑफ यू एंड मेक यू लाइफलेस एंड गिव्स यू बॉन्डेज। तो यही होता है जब आप डिज़ायर्स में पढ़ते हैं। डेविल का दूसरा नाम डिज़ायर्स है, डेविल का दूसरा नाम माया कह लीजिए, कि उसके अंदर वो आपको जो है इल्यूजन में डाल देता है, आपको भटका देता है, और आपको ऐसे ऐसे वादे करता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देता है कि आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। और उसके बहकावे में आने की वजह से उसके आपका जो प्रेजेंट है उसको आप भूल जाते हैं। दैट्स व्हाट द डेविल डज टू यू। डेविल के सर पे जो हम जो एक स्टार देखते हैं, वो स्टार जो है वो सिग्निफाई करता है अकल्ट के लिए और डार्क मैजिक के लिए। इस स्टार को जो है इसको अच्छे यूज़ के लिए भी रखा गया है और नेगेटिव यूज़ के लिए भी रखा गया है। यहाँ पे ऑफ कोर्स इट इज सिग्निफाई ब्लैक मैजिक, और जैसे कि मैंने पहले बात करी थी, जो स्टार का सिंबल है इट इज़ नथिंग बट यू योरसेल्फ, इज़ द बॉडी ऑफ यू। और यहाँ पे क्या करा है, अगर आप पेंटिकल का सिंबल देखते हैं तो पेंटिकल के सिंबल के अंदर जो स्टार है उसके अंदर जो स्टार है वो बॉडी है, और जो उसके आसपास का जो सर्कल है वो है सोल। यहाँ पे क्या हुआ है, डेविल ने वो जो है स्टार उसके यहाँ पे सिग्निफाई है, और जो सोल है वो वहाँ से विदा हो गई है, सोल गायब हो चुकी है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि डेविल ने आपको पूरी तरह से पोजेस कर लिया आपके बॉडी को, और सोल आपकी जो है पूरी तरह से गायब हो गई है। दिस इज़ व्हाट वी ऑल्सो से यू नो इन मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ में आपने बहुत बार ये सुना होगा कि भी आप जो है डेविल को जो है इस आदमी ने अपनी सोल बेच दी। तो दिस इज़ वॉट सिग्निफाइज है यू नो कि डेविल क्या करता है कि आपकी सोल खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है? आपको लालच दे के, आपको इल्यूजन दे के, आपको ऐसे ऐसे डिज़ायर्स के सपने दिखा के कि आप फंस जाते हैं। एक मूवी की मैं और बात करना चाहूँगा, उस मूवी का नाम है डोरियन ग्रे। डोरियन ग्रे जो है, जिस तरह से मूवी शुरू होती है, ही इज़ इन लव विथ अ ब्यूटिफुल वूमन, और एक बहुत एक अच्छे लव की एक शुरुआत होती है। डोरियन ग्रे जो है बहुत ही हाई क्लास से बिलोंग करता है, और ये लड़की बहुत ही पुअर कम्युनिटी से आती है, लेकिन गलती से ही सही, लेकिन दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेकिन उस मूवी में
जो कि एक विलन है और एक डेविल को भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करा है। उस डेविल ने जो है डोरियन ग्रे को इल्यूजन दे दिया, लस्ट दे दिया, उसको एडिक्ट कर दिया सेक्स में, ड्रग्स में, इन सब चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से वो अपने लव को जो है पूरी तरह से भूल गया। और जिसकी वजह से जो लड़की है वो मूवी में जो है आई थिंक शी सुसाइड्स और समथिंग, बट एनी वेज द डिस्टेंस हैपन्स एंड शी इज़ नॉट विद हिम एनी मोर, जिसकी वजह से इस लड़के को और गहरा शौक लगता है और वो और गहरा जो है इसके अंदर जो है चले जाता है, इन सेक्स में इंडल्ज करता है अपने आप को और एक लस्ट में पड़ जाता है, ड्रग्स में पड़ जाता है। मूवी के अंदर हम ये देखते हैं कि वो जितना गहरा लस्ट में जाया जा रहा है, जितना गहरा उस वो अपने जो है एडिक्शंस में जा रहा है, अपने सेक्स में जा रहा है, तो बाहर का शरीर तो उसका सुंदर दिखता है और वो जवान दिखता है और वो बूढ़ा नहीं हो रहा। दिस इज़ वॉट द डिज़ायर डज टू यू, दैट डिज़ायर कीप्स यू यंग, दैट यू फील लाइक यू आर यंग, यू आर नॉट इन टच विद द रियलिटी, दैट्स वॉट द डिज़ायर डज टू यू। सो हम मूवी में देखते हैं जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है कि धीरे 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 कि ही इज़ जस्ट टोटली लॉस्ट इन द डिज़ायर्स एंड लस्ट, और इस प्रोसेस के अंदर जो है ही सेल हिज सोल टू द डेविल, उसकी जो सोल है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, देख सकेंगे तो ज़रूर देखिए। अगर आप इसके अंदर जो है मैन और वुमन को देखेंगे कार्ड के अंदर, तो मैन और वुमन दोनों के जो है सर पे जो है सींग जो है आते हुए हम देखते हैं, सेम लाइक डेविल, उसके जो हॉर्न्स हैं लाइक डेविल, दे आर ऑल्सो कमिंग इन द मैन एंड वुमन। और हम ये भी देखते हैं कि जो मैन एंड वुमन है उनके पीछे जो है उनकी टेल भी जो है हम देख सकते हैं। दिस इज जस्ट सिग्निफाइंग दैट दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अनकॉन्शियस, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड, एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एनिमल, दे आर गोइंग बैक टू द एनिमल नेचर। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो वी बिकम मोर एंड मोर अनकॉन्शियस, द मोर कॉन्शियस यू आर यू विल बी फार अवे फ्रॉम सेक्स, यू विल नॉट फील लाइक इंडल्जिंग इन टू इट। आई एम नॉट डिग्रेडिंग सेक्स, आई एम नॉट सेइंग दैट सेक्स इज नॉट गुड और एनीथिंग लाइक दैट, बट ऑल आई एम सेइंग इज द मोर यू आर कॉन्शियस यू वुड लाइक योर एनर्जी टू जस्ट राइज अप एंड फ्लावर एंड नॉट फॉल, नथिंग रॉन्ग इन फॉलिंग डाउन टू, बट दिस एनर्जी हैज सो मच टू शो यू, इट हैज सो मच टू ऑफर यू। सेक्स इज वेरी ब्यूटिफुल, इट शोज यू अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, इट गिव्स यू अ वेरी ब्यूटिफुल ग्लिम्स ऑफ द अननोन, इन फैक्ट इट गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द समाधि। इसलिए हम इतने ज़्यादा उसमें एडिक्ट रहते हैं, इसलिए हम उसमें इतना ज़्यादा जो है जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वी गेट द ग्लिम्स ऑफ द समाधि, वी गेट द ग्लिम्स ऑफ एक्सटेसी, एंड दैट ऑर्गैज्म विच हैपन्स इन द सेक्स, वी आर सो मच अटैच टू इट, कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक छोटा सा एक रस है, आप ये समझिए वो एक छोटा सा एक ग्लिम्स है जो जो कि आपको गॉड के करीब होने का मौका देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ईच वन ऑफ अस wants to be near God, wants to be in that ecstasy, wants to be in that joy. The only thing is, we are looking at the wrong place. The more and more physical we become, the more and more the God goes far away from you. God physicality में भी है, but अगर हमने उसको जो है totality में जो है experience करना, then we have to save and you know, then we have to make sure that and our energies, you know, that starts rising towards the higher chakras of our body. And as the energy starts going into your higher chakra, you start experiencing that you are more and more into that ecstasy, you are more and more into that divine joy all the time. So devil just signifies, you know, that you have kind of forgotten that ultimate ecstasy which can be given to you.
और आप जो हैं कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस वर्ल्ड में चले गए हैं। वी कम फ्रॉम द अनकॉन्शियस वर्ल्ड, वी कम फ्रॉम द एनिमल किंगडम, वी आर ह्यूमंस, बट ह्यूमन इज समवेयर, इट इज ही इज़ वेरी न्यूट्रल, ही हैज़ अ चॉइस दैट ही कैन बिकम एन एनिमल एंड ही कैन बिकम गॉड टू। सो ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बर्थ विच इज़ गिवन, ही इज समवेयर, ही इज़ लाइक अ क्रॉस रोड, ही कैन बिकम डिवाइन और ही कैन बिकम द डेविल, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट इट इज़ ऑल्सो सेड वी आर हेयर फॉर द इन्फिनिट, इट्स अल्टीमेटली इज़ द गॉड प्ले, टेक एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, नो प्रॉब्लम, बट रिमेंबर ट्राई टू सी ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ। The dark and the doorless cave implies that the devil exists in the most inaccessible realms of the unconscious. जो devil है वो आपके deep unconscious में जो है वो कहीं ना कहीं exist करता है। Devil के पास भी पहुँचना इतना आसान नहीं है, God के पास भी पहुँचना जो है आपको कहीं ना कहीं you need intelligence, even to reach the devil you need intelligence। जो आदमी अपना devil जी रहा है यही सेम आदमी एक दिन जो है अपना गॉड भी जिएगा। जिसने अपना devil नहीं जिया वो अपना गॉड भी नहीं जी सकता। वो कहते हैं कि every saint has a past and every sinner has a future। तो अगर आपने अपना जो है, अगर आप अपने unconscious में नहीं गए हैं, अगर आपने अपने animal kingdom को अच्छे से नहीं देखा है तो आप अपने गॉड के किंगडम को कैसे देखेंगे। अगर आपने संसार को ही अच्छे से नहीं देखा जिसको भगवान ने बनाया आपके लिए, तो फिर आप गॉड को कैसे पहचानेंगे। टोटल जो बात इसमें जो मैसेज कहीं ना कहीं मैं देना चाहता हूँ वो सिंपल ये है कि जितना आप कॉन्शियस लेवल पे जो है इसको जिएंगे उतना ये चीज़ें जो हैं आपको तंग नहीं करेंगी, क्योंकि आपके अंदर एक इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाती है, एक फिल्ट्रेशन आ जाती है, where you start choosing what is good for you and what is not, but that also happens out of blessing only, that doesn't just happen just like that। If you are blessed you will be able to see the world of the devil and the world of the angels, and the time comes when you start going beyond both of them। Ultimately you have to go beyond the good and the evil। Na good mein अटकना है ना ईवल में अटकना है। यू हैव टू रीच द गॉड, यू हैव टू बी द अल्टीमेट, दैट्स वॉट यू आर, दैट्स वॉट यू आर केपेबल ऑफ, दैट इज द सीड विच इज़ इनसाइड ऑफ यू, डोंट मिस दैट। एंड हाउ डू यू गो डीपर विद दैट, मेडिटेशन इज़ वन वेरी ब्यूटिफुल टूल विच विल टेक यू थ्रू दैट रियल, विच विल हेल्प यू, which will help you see all the worlds, which will make you the complete human and make you ultimately the God. Sit more and more into your meditation and the truth will be revealed to you. That's what the devil also symbolizes here, that don't get stuck with me, remember you have to go beyond। कार्ड का अगर हम नंबर देखें तो कार्ड का नंबर है 15, और 15 के अंदर जो है हम जोड़ दें 1 और 5 को, वो बनता है 6, जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं कि ये कार्ड जो है डायरेक्टली कनेक्ट करता है द कार्ड ऑफ लवर्स से। जो 6 नंबर कार्ड है टैरो का वो है द कार्ड ऑफ लवर्स, और 15 नंबर जो है कार्ड ऑफ डेविल, सेम कहीं ना कहीं जो है मैचिंग हो जाती है। इट्स जस्ट द नेक्स्ट लेवल, इट्स जस्ट द रेल्म विच हैज़ नॉट बीन सीन येट, that is what we are talking about here। So do you notice like how the tarot is built? It is not just built by someone like us, it is like coming from the divine itself, showing us the divine rules, showing us the divine way of life, you know। So the card of devil jo hai uske andar jo hai hidden forces of negativity hai, jiski main pehle bhi baat kar chuka hu ki negativities jo hai aapke भीतर हैं, और उसको जो है जैसे जैसे आप जीना शुरू करते हैं आप उससे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। जितना आपके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू हो जाती है आपकी नेगेटिविटी जो है गायब होनी शुरू हो जाती है।
इनफैक्ट जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वंस यू स्टार्ट फेसिंग दैम, वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैम, दे आर जस्ट वैनिश्ड, दे आर गॉन. द प्रॉब्लम ओनली एग्जिस्ट टिल द टाइम यू हैव नॉट फेस्ड दैम, यू हैव नॉट एक्नॉलेज्ड दैम, यू हैव नॉट कन्फ्रंटेड दैम. एंड द डेविल ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर फियर एंड डिजायर्स. जब भी डेविल आएगा आपके फियर्स और डिजायर्स को प्रभावित करेगा. द डेविल ऑल्सो रिप्रेजेंट द फियर्स एंड डिजायर्स इन साइड ऑफ अस. तो डेविल के कार्ड के आने का मतलब हुआ कि आपके जो फियर्स और डिजायर्स जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट देम, डोंट इग्नोर देम, और उसको फेस कीजिए ताकि आप उससे मुक्त हो पाए. मेरे देखे जो डेविल है वो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है. और जैसे मैंने पहले भी बात करी, अगर हम अच्छे कार्ड के बारे में बात करना चाहें तो कुछ बात करने को होता ही नहीं है. इट सीम्स लाइक सो बोरिंग, एंड सडनली व्हेन द डेविल कार्ड कम्स इन, इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग. सो मेरे देखे जो डेविल कार्ड है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ टेस्ट फॉर यू. इट टेल्स यू टू प्ले विद योर डिजायर्स इन अ कॉन्शियस वे, एंड इट चेक्स यू वेदर यू आर बाउंडेड और नॉट. एक और मूवी का मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा. मूवी का नाम है द वॉइसेस. वॉइसेस मूवी में ये आदमी जो है ये वॉइसेस सुनता है जो कि वॉइसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ये वॉइसेस दिस इज लाइक कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ हिम, और ये वॉइस उसको जो है ऐसे ऐसे काम करने के लिए बोल देती है विच आर अनइमेजिनेबल. दिस इज जस्ट द एक्टिवेशन ऑफ डेविल इनसाइड ऑफ हिम. दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग मूवी विच यू शुड वॉच. एंड इसी के साथ एक और मैं बात करना चाहूँगा. देर इज अ सीरीज ऑन HBO, इट्स कॉल्ड द कार्निवल. प्रॉब्ली हॉटस्टार पे आप उसको देख सकते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल सीरीज विच इज अ बैटल ऑफ द गुड एंड द ईविल. ये दो सीजन में है और बहुत इंटरेस्टिंग है. आप बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है. हमें एक तो सीखने को मिलता है कि लाइक हाउ द ईविल वर्क्स. दिस ईविल इज एक्चुअली इनसाइड ऑफ यू टू, एंड वन नीड्स टू रिकॉग्नाइज इट. इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज इट देन दिस ईविल बिकम्स यू. डोंट लेट इट हैपन. बिकम अवेयर ऑफ इट, बिकम कॉन्शियस ऑफ इट. डेविल कार्ड जब करियर के लिए आता है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट यू आर ट्रैप्ड. प्रॉब्ली यू आर डूइंग समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट टू, या फिर हो सकता है आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है कहीं ना कहीं भर दिया है जिसमें आप फंस गए हैं, या फिर किसी आप ऐसे जॉब में हैं जो कि बाहर से बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से इट्स जस्ट किलिंग यू. सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. एंड अगर हम पर्सनालिटी की बात करें डेविल की, तो इसकी पर्सनालिटी विल बी हाईली सेक्सुअल. इसका बहुत ही एडिक्टिव बिहेवियर होगा. लाइक ही विल बी इंडल्ज इन लाइक ड्रग्स, बूज और थिंग्स लाइक दैट. एंड दिस पर्सन विल लिव इन एक्सट्रीम्स. ये आदमी मीडियोकर नहीं है. जैसे मैंने बात करी, इट्स नॉट ईजी टू बिकम अ गॉड. एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम द डेविल टू, बिकॉज डेविल ऑल्सो एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम्स. अगर हम बात करें हिटलर की, ही एक्चुअली टच्ड हिज डेविल साइड. लाखों लोगों को वो मार पाया वो सिर्फ इसी बेसिस पे, क्योंकि उसके ऊपर जो है उसको डेविल का जो है ही काइंड ऑफ ही वॉज पोसेस्ड बाय द डेविल. सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर हिम. सो दिस पर्सन विल नॉट बी अ मीडियोकर. दिस विल लिव इन एक्सट्रीम्स. एंड ऑफकोर्स ही विल बी अ वेरी इंटेंस इंडिविजुअल. ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू अ लॉट. सो बी केयरफुल. जिस तरह से सेंट्स हमें जो है अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से डेविल भी हमें अट्रैक्ट करता है. एंड दिस पर्सन विल बी पावर हंग्री एंड ही विल बी वेरी एम्बिशन. ही जस्ट वॉन्ट टू रूल ओवर एवरी वन. ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईगो. बट एट द सेम टाइम ईगो के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार आपको इसका ईगो नहीं पता चलेगा. हिज ईगो कुड बी लाइक सो सटल कि वो शायद वो अपने आप को भी धोखा दे दे. दैट्स फॉर द पावर ऑफ डेविल इज.
रिलेशनशिप की बात करें तो डेविल जो है इट कुड मीन यू नो दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ मल्टीपल रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड प्रॉब्ली, लस्ट एंड रॉ अट्रैक्शन. इट बेसिकली मीन्स यू आर लिविंग द लोअर चक्रा ऑफ योर बॉडी. दैट्स व्हाट द डेविल इज टॉकिंग अबाउट, लिविंग द एनिमल साइड ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि इट्स अ टेस्ट फॉर यू. व्हेन द कार्ड कम फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन, दिस इज अ वेकनिंग कार्ड, दिस इज अ कार्ड ऑफ शेकिंग अप द अदर पर्सन यू नो एंड चेकिंग हिमसेल्फ वेयर इज ही स्टक. एंड इफ ही स्टक ही नीड्स टू लुक इनसाइड एंड बी फ्री फ्रॉम दैट डिजायर, बी फ्री फ्रॉम दैट लस्ट वेयर एवर ही इज स्टक. और फाइनली मैं जाते आते जो है एक बहुत ब्यूटीफुल जो है कुछ लाइन्स जो हैं कहना चाहूँगा जो कि ऑगस्ट विल्सन ने द डेविल के साथ जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको. ऑगस्ट विल्सन ने ये लाइन्स कही हैं. वो कहते हैं कि कन्फ्रंट द डार्क पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ एंड वर्क टू बैनिश देम विद इल्यूमिनेशन एंड फॉरगिवनेस. योर विलिंगनेस टू रेसल विद योर डेमन्स will cause your angels to sing. Use the pain as fuel, as a reminder of your strength. So these were the beautiful lines from August Wilson. I hope you enjoyed the video of the devil. Subscribe कीजिए, share कीजिए, और लोगों को भी बताइए. And stay blessed, stay happy. I will see you in my next video. Till then, goodbye. Namaste.